अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मैजिक किचन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्त सी कोयला कढ़ाई की रेसिपी, जिसका टेस्ट बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा कि आप रेस्टोरेंट्स की कोयला कढ़ाई खाते हैं उसका होता है। और बहुत ही आसान सा तरीका है इसका बनाने का, बहुत ईजी वे में मैं आपको बताऊँगी कि आप लोग किस तरह बाज़ार की कोयला कढ़ाई घर में बना सकते हैं। जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकन दबा दें ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो और रेसिपी आप लोगों को मिलती रहे। यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं लेना, और इसमें मैं अपने टमाटर डालूंगी। टमाटरों को मैंने स्लाइस में काट लिया है। यहाँ मैंने 5 से 6 अदर टमाटर लिए दरमियाने साइज की। कोशिश करें टमाटर आपके लाल लाल हो, इससे आपकी कढ़ाई कोयला कढ़ाई बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा, इस कढ़ाई को थोड़ा हम डिफरेंट बनाते हैं, तो उसके लिए पहले मैंने टमाटरों को गला लूँगी। मैं सबसे पहले तो मैं यहाँ टमाटरों को थोड़े से ऑयल में डाल के स्टीम दूंगी, इसको ढक दूंगी जब तक हमारे टमाटर अच्छे से गल जाएं इसके अंदर। इसको हमें इस तरह ढक के रखना है। देखिए टमाटर हमारे गल गए हैं यहाँ पर, इधर हम इसको हल्का सा भूनेंगे कि हमारे टमाटर बिल्कुल एक पेस्ट की फॉर्म में आ जाए। मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से और बस ये इसको हम अलग कर लेंगे एक प्लेट में। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में ऑयल ले लिया है और ऑयल को मैंने गर्म कर लिया। इसमें मैं थोड़ा सा मेथी दाना डालूंगी, तकरीबन आधा चम्मच, आधा टीस्पून मैंने यहाँ पे लिया है। इसको हल्का सा गर्म करूंगी और यहाँ इसके अंदर मैं प्याज डालूंगी, एक चॉपी हुई प्याज मैंने इसके अंदर शामिल करी है। प्याज को आपको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है और प्याज को हल्का सा मैं फ्राई करूंगी यहाँ पे। प्याज को यहाँ हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, बस इसका हल्का सा हमें कच्चापन ख़त्म करना है, थोड़ा सा इसको फ्राई करेंगे क्योंकि बाकी प्याज हमारी चिकन के साथ ही फ्राई हो जाएगी। बस मुझे यहाँ पे इसका थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म हो जाए तो फिर मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। अब मैं इसमें यहाँ पे चिकन शामिल करूँगी, आधा किलो तकरीबन मैंने यहाँ पे चिकन लिए। और साथ ही साथ मैं इसमें शामिल करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच और नमक डालूंगी मैं इसमें हल्दी चाय का। और यहाँ साथ में मैं इसके शामिल करूँगी 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च। इन सब चीज़ों को आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। अच्छा, यहाँ हम अपने चिकन को थोड़ी देर के लिए ढकेंगे ताकि हमारी चिकन गल जाए इसके अंदर। चिकन यहाँ देखें हमारी गल गई है और इसका मसाला भी भुन चुका है। अब हम इसके अंदर अपने टमाटर शामिल करेंगे जो हमने टमाटर पहले ही गला रखे थे, और साथ ही साथ में इसमें शामिल करूंगी आधा चम्मच गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला, हरी मिर्चें कुछ कटी हुई और कुछ साबुत, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली है मैंने यहाँ, कसूरी मेथी 1 चम्मच क्रश करके आप इसको डाल दें। और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिलाना है हमें। और यहाँ पे मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ क्रश्ड धनिया और आधा चम्मच जीरा, ये भी आपको क्रश्ड जीरा लेना है। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिलाएंगे और थोड़ा हम इसको भूनेंगे। इसको हमें थोड़ा हाई फ्लेम पे भूनना है कि इसका ऑयल अलग हो जाए, हमें इसको इतना भूनना है। इसका टेस्ट इससे बहुत अच्छा हो जाता है, बिल्कुल ऐसा ही जैसे रेस्टोरेंट्स की कोयला कढ़ाई में होता है। कढ़ाई का मज़ा तभी बढ़ता है जितना अच्छी तरह आप इसको भूनते हैं, और ये तो हैवी कोयला कढ़ाई तो इसको हाई फ्लेम पे ही हमें भूनना है।
देखिए यहाँ इसका ऑयल अलग हो गया है। अब हम इसको कोयले की स्मोक देंगे। किसी भी चीज़ पे रख के आप इसको कोयले की स्मोक दे सकते हैं। मैं यहाँ एक बाउल रखी हूँ और थोड़ा सा इसके अंदर हम ऑयल डालेंगे ताकि इसकी स्मोक बढ़ जाए। और यहाँ हमारी कोयले की स्मोक भी लग चुकी है इसमें और ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसे सर्व करेंगे। जी तो ये रही हमारी गर्मा गर्म बहुत ही मज़ेदार सी रेस्टोरेंट स्टाइल की कोयला कढ़ाई। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी थी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।